सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में, गन मेटल ग्रे कलर। आज अपन लोग कवर करने वाले हैं बाइक से रिलेटेड सारे डाउट्स, आज के वीडियो से आप लोगों के क्लियर हो जाने वाले हैं, प्राइसिंग भी, अदर वेरिएंट्स भी और कलर ऑप्शंस भी आगे चल के आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो वेरिएंट्स के साथ, ताकि आप लोग ज़्यादा रिलेट कर सको। वेरिएंट्स और प्राइसिंग आप लोगों को पहले ही मिल जाएगी उसके वजह से। सो वेरिएंट्स टोटल दो अवेलेबल रहते हैं क्लासिक 350 लाइनअप में, सिंगल चैनल ABS और ड्यूल चैनल ABS, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क वाला ये सेटअप अपना प्रॉपर रहता है। और प्लस कलर्स के अकॉर्डिंग अलॉयज और स्पोक व्हील का ऑप्शन भी आप लोगों को चेंज हो जाता है, जैसे कि ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर का ये सेटअप भी चेंज हो जाने वाला है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो क्लासिक रेंज स्टार्ट होती है 2.33 233,000 से और एंड होने वाली है 2.70 270,000 पे एंड होती है। ये पर्टिकुलर कलर ऑप्शन ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करेगा 2.65 265,000 ऑन रोड जयपुर। कलर्स के अकॉर्डिंग और वेरियंट्स के अकॉर्डिंग क्लासिक 350 लाइन में आप लोगों को प्राइसिंग में चेंज देखने को मिल जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बाइक में आप लोगों को क्या कुछ मिल जाता है। इस टाइप के अपने को यहाँ पे वेव की मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये अपना प्रॉपर सेटअप अब हो चुका है। इग्निशन ऑन करते हैं तो ये कुछ अपना MID का स्टार्टअप है और इग्निशन के साथ इस टाइप से पायलट लैंप्स आपके ऑन यहाँ पे रहने वाले हैं। सिर्फ यही लाइटिंग सेटअप ऑन रहेगा इग्निशन के साथ, लाइटिंग कंप्लीट अपना हेलोजन में ही रहने वाला है। इस टाइप से कुछ हेडलैम्प है, बल्ब पे भी आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का प्रॉपर लोगो मिल जाने वाला है। कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इंडिकेटर जो हाउसिंग है ये भी आप लोगों को क्रोम में या फिर मैट ब्लैक भी ये सेटअप अपना रह सकता है। शेप कुछ इस टाइप से है, प्लस हजार्ड भी आप लोगों को यहाँ पे कंपनी से ही देखने को मिल जाने वाला है। इस टाइप से कुछ ऑन होने के बाद अपना लुक आएगा। एक हेडलैम्प आपका जो थ्रो रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये प्रॉपर एक पीस भी मिल जाता है। क्रोम का यूज़ इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, बाकी क्रोम पर्टिकुलर एडिशन भी आता है, वीडियो में आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाता है अपना नंबर प्लेट का होल्डर। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है विथ मेटल कवरिंग, मेटल में ही प्रॉपर फुल बॉडी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस टाइप से कुछ अपना फ्रंट मडगार्ड है, काफ़ी ब्रॉड ये एरिया है और फ्रंट टायर का पैटर्न अपना कुछ इस टाइप से हो जाता है। ब्रेकिंग सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ड्यूल डिस्क वाला सेटअप है, बाइबरी ही फ्रंट और बाइबरी ही रियर रहेगा। फ्रंट डिस्क का साइज 300 mm 300 mm का फ्रंट डिस्क है। बाइबरी ब्रेकिंग ड्यूल चैनल ABS आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग 100 सेक्शन का 19 इंचेस का ये आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे मिलेगा। इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन में आप लोगों को मिलता है अलॉयज और स्टिकरिंग भी, ब्लू वाला जो एक प्रॉपर हाईलाइट है वो यहाँ पे स्ट्रिप वाला पैटर्न अपना आ जाएगा। ये रहा अपना अलॉयज का शेप, एक्स्ट्रा पे करके आप लोग ये कंपनी से परचेज भी कर सकते हो। रिफ्लेक्टर जता है जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। इस टाइप से कुछ अपना साइड प्रोफाइल है। इस पर आते हैं, पहले बात करते हैं सीट की तो कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और कलर्स के अकॉर्डिंग ये भी आपका कलर जो उसका चेंज होने आने वाला है। सीट हाइट भी काफ़ी लो है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली शॉर्ट हाइट भी आपकी है। तो सीट हाइट टोटल 805 mm की टोटल अपनी सीट हाइट यहाँ पे रहेगा। इस कलर ऑप्शन के साथ जो अपना फ्रंट हेड है ये आपको मिलता है ग्लॉसी ब्लैक में, बाकी आपका गन मेटल ग्रे वाला सेटअप है ही, सिर्फ ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे ही है, उसके अलावा कंप्लीट आपको मैट वाला सेटअप ही ये देखने को मिलेगा। इस टाइप से कुछ फ्यूल कैप है, E20 का स्टिकर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। मैट ब्लैक में ही हैंडल बार है और ये काफ़ी रेज्ड है, देख सकते हो, उसको सेट भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लच का फील थोड़ा बहुत ही आपको हार्डर साइड पर फील होगा, पर यूज़ के साथ ये अपना ईजी हो जाने वाला है। स्विच सेटअप देखते तो एक आई बटन मिल जाता है MID से रिलेटेड, जो डिजिटल विंडो मिलता है, प्लस यहाँ जाता है अपना हाई बीम लो बीम प्लस पास, प्रॉपर रॉयल इनफील्ड 1901 यहाँ पे मार्किंग भी मिल जाती है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में ही काफ़ी लाउड हॉर्न है। राइट साइड पे मिल जाता है किल स्विच प्लस स्टार्टर 3-in-1 स्विच, ये रहा अपना हजार्ड का स्विच। ग्रिप कवर आपको कर्व वाले पैटर्न यहाँ पे मिलेगा, बार एंड भी मेटल में ही है और इस टाइप से कुछ अपना थ्रॉटल ग्रिप बनने वाला है। रियर व्यू मिरर इस टाइप से कुछ आपका प्रॉपर ये वाला सेटअप जो एक सर्कुलर डिज़ाइन रहता ही है, आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से ही एक्स्ट्रा भी आप लोग इसको एक चेंज भी शेप करवा सकते हो। MID सेटअप देख लेते हो तो कॉम्बिनेशन है, एक छोटा डिजिटल विंडो भी मिल जाता है। 160 तक स्पीडोमीटर में आपको मार्किंग मिल जाती है, सारी वार्निंग लाइट्स है, रॉयल एनफील्ड की लोगो। स्टार्टअप एक बार फिर से देख लेते तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को स्टार्टअप मिल जाता है। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की प्रॉपर एक सेपरेट विंडो भी मिल जाती है, हजार्ड ऑन है तो वो भी प्रॉपर मार्किंग आ जाने वाली है। डिजिटल विंडो में देखते हैं तो अभी शो हो रहा है यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल गेज, ट्रिप F, इको इंडिकेटर, प्लस यहाँ पर आप लोगों को चेंजेस करके देखते हैं ये वाले स्विच से, आई बटन से, सो ये अपना आ जाता है क्लॉक, ऑडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F। ट्रिप F को एज आ रेंज भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो, ही का सेटअप अपन लोगों ने देख लिया तो ये अपना हो जाता है। फ्यूल टैंक पे इस टाइप से रॉयल इनफील्ड की प्रॉपर 3D वाला मार्किंग मिल जाता है ब्लैक में, जो कि कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन रहा है, प्लस एक थोड़ा सा रेट्रो लुक मेंटेन करने के लिए भी और ट्रैक्शन पैड के लिए भी यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर रबर वाला पार्ट भी मिल जाता है, इसको भी रिमूव कर सकते हो, बट लुक इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। फ्रंट हेड की तरह
साइड पैनल भी आपको मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक में ही, और ये भी अपना मेटल में ही है। साइड फेंडर पे टाइप से क्लासिक 350 और ब्लू वाला हाईलाइट आप लोगों को प्रॉपर मार्किंग आ जाता है। इस टाइप से कुछ इंजन का लेआउट है। अपोजिट साइड से भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ड्यूल हेड में गियर लीवर है, 5-speed गियर बॉक्स के साथ बाइक आती है, सेम इंजन है हंटर मेटियोर क्लासिक, और अब ये आप लोगों को आ चुका है बुलेट 350 में भी। बुलेट के अदर कलर भी आप लोगों को भी दिखाते हैं आगे चल के। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो 349cc का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है 5-speed गियर बॉक्स के साथ, 20.2 bhp का पीक पावर हो, 27 Nm का टोटल अपना टॉर्क है, 0-100 का टाइम जो कंपनी क्लेम करती है वो है 15 seconds, माइलेज ईजिली 35, 38, 40 तक भी आप लोग इस इंजन के साथ निकाल सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड भी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ये एक स्मूथनेस लेवल भी आप लोगों को रॉयल इनफील्ड वाला पहले वाली बात नहीं रही, ये अब चेंज हो चुका है। रॉयल इनफील्ड इज़ नाउ डिफरेंट लेवल पे है ये ना। यहाँ पे J1 349 प्रॉपर यहाँ पे आप लोगों को इंजन की सीरीज़ की मार्किंग भी मिल जाने वाली है। चेन का सेटअप ओपन ही रहेगा सभी वेरिएंट्स में, इस पॉकेट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, प्लस रॉयल इनफील्ड के टाइप से प्रॉपर मार्किंग आप लोगों को फुट पैक्स पे भी मिल जाने वाली है। सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड ये भी दोनों ही है, फुट रेस्ट इस टाइप से कुछ अपना आ जाता है, और प्लस स्टैंड पे लगाने के लिए एक आप लोगों को यहाँ पे इस टाइप से ग्रिप कवर भी देखने को मिल जाने वाला है। स्प्लिट में सीट है, सीट का जो कलर है ये भी कलर्स के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो सकता है, ब्लैक भी आ जाता है, ये वाला कलर भी अपना रहेगा। रियर लुक बाइक का कुछ इस टाइप से, इग्निशन और टेल लैंप अपना ऑन है, नंबर प्लेट का होल्डर आ जाता है, रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग स्टील मेटल में ही आप लोगों को काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की यहाँ पे प्रॉपर एक ग्रैब रील मिल जाती है। रियर सस्पेंशन ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सेटअप मिलेगा, और शायद से ये गैब्रियल का ही फील हो रहा है मुझे, गैब्रियल का ही है, तो यहाँ पे आप लोगों को एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाने वाले हैं। रियर ब्रेकिंग 270mm 270mm का रियर में डिस्क है। रियर टायर की ग्रेडिंग 120/80/18 ये आपको विजिबल नहीं रहेगा, 120 सेक्शन का रियर है और 100 सेक्शन का अपना फ्रंट था। लो इसका शेप वही ट्यूबलेस टायर ये भी अपना रहेगा। ये रहा एग्जॉस्ट कंप्लीट, एक ओवरऑल ब्लैकआउट वाला सेटअप इस पर्टिकुलर कलर में आप लोगों को मिल जाता है। हीट शील्ड भी आपका मेटल में ही है, ड्यूल पार्ट में हीट शील्ड भी यहाँ पे आ जाता है। एग्जॉस्ट नोट शोरूम में अभी अपन लोग स्टार्ट नहीं कर सकते बाइक, बट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड ये चीज़ भी मिल जाने वाली है। ये इंजन का लेआउट अपना अपोजिट साइड से, और इस टाइप से कुछ ब्रेक लीवर वगैरह है, बाकी सब कुछ एज अपोजिट साइड ही यहाँ पे रहने वाला है। सो ये हो जाता है जी अपना पूरा वीडियो कंप्लीट क्लासिक 350। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताना, और ये कलर ऑप्शन कैसा लगा ये चीज़ भी ज़रूर से कमेंट में आप लोग शेयर कर सकते हो। अब दिखाते आप लोगों को एक बार, ये रहा अपने पास बुलेट 350 जो कि अब सेम ही इंजन के साथ आ चुका है, और ये रहा क्लासिक अपना सिग्नल्स वाला एडिशन, लगभग 2.56 के अराउंड ये आपको कॉस्ट करेगा ऑन रोड जयपुर। ये है अपने पास क्लासिक का क्रोम वाला एडिशन जो कि क्रोम रेड और क्रोम ब्राउन दो ही शेड में क्रोम वाला एडिशन अवेलेबल रहता है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रोम वाला सेटअप देखने को मिल जाता है, इसकी भी प्राइसिंग चेंज रहेगा। और ये है अपने पास क्लासिक का अदर कलर ऑप्शन, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो क्रोम का यूज़ है और स्पोक व्हील आ जाता है जो कि अलॉय से डिफरेंट आ जाएगा। सो करते जी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, और वीडियो को शेयर भी आप लोग ज़रूर से कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे, अब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।